रहीम, टेन्योर ऑफ नवाज शरीफ 1990 to 1993। तो हम 1990 से 1993 के दरमियान नवाज शरीफ की दौर हुकूमत के बारे में पढ़ेंगे। इसके मेन जो हेडिंग होंगे वो होंगे बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट डिसमिस्ड और पार्टी अलायंसेस, ग्लिम्स ऑफ नवाज शरीफ रूल, नवाज प्रोजेक्ट, मोटरवे प्रोजेक्ट, फॉरेन पॉलिसी ऑफ नवाज शरीफ, फॉल ऑफ नवाज शरीफ एंड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट डिसमिस्ड, द गुलाम इसा खान डिसमिस्ड बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट। द सेवेंथ इलेक्शन फॉर द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली वर हेल्ड ऑन October 24, 1990। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब वॉज इलेक्टेड एज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑन November 6, 1990। यानी कि गुलाम इसा खान ने, हमने पीछे के लेक्चर में पढ़ा था कि बेनजीर भुट्टो को करप्शन के केस में निकाला और इस तरह जो है उन्होंने इलेक्शन का वादा किया 24 अक्टूबर 1990 को। और इलेक्शन के बाद जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि उस वक्त IGI इस्लामी जमहूरी इतिहाद के लीडर थे और एक्स चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, वो पाकिस्तान के 12वीं प्राइम मिनिस्टर बन गए November 6, 1990 को। अब नवाज शरीफ ने किस किस के साथ मिलकर अपनी हुकूमत बनाई? पार्टी अलायंसेस नवाज शरीफ एंड IGI वो 105 सीट्स उन्होंने जीती, 105 सीट। नवाज आल्सो मेड एन अलायंस विद अवामी नेशनल पार्टी एंड IUI फजल रहमान ग्रुप। इनकी अवामी नेशनल पार्टी और IUI के साथ मिलकर नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाई। नवाज शरीफ फॉर्म ए गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ 153 MNAs। इनकी उनको 105 तो उनकी अपनी थी लेकिन बाकी जो है पार्टी के साथ मिलाकर 153 MNAs की जो है हिमायत नवाज शरीफ को हासिल हुई। ग्लिम्स ऑफ नवाज शरीफ रूल, नवाज शरीफ के दौर में क्या क्या अहम इकदाम हुए? इमरजेंसी लिफ्ट ऑन ऑफ इन November 7, 1990। इनकी November 7 को जो है नवाज शरीफ ने जो है इमरजेंसी हटा दिया मुल्क से। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाया ताकि बहुत से इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया जा सके। डोमेस्टिक इश्यूज, मुल्क के जो अंदरूनी मुख्तलिफ इशूज से तालीम के, सेहत के और जितने इशूज उनको हल कराने की कोशिश की गई। नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाया उन्होंने ताकि सूबों के दरमियान जो पैसा है वो बराबर तकसीम हो, मुल्क के खजाने में जितने पैसे और हर सूबे की जो अपने आमदनी के हिसाब से उनकी तकसीम के लिए नेशनल फाइनेंस कमीशन उन्होंने डेवलप किया, इस्टेब्लिश किया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि सर जो मुबादला या गैर जो मुल्कों से जो इन्वेस्टमेंट कमाने की कोशिश की गई। एग्रीकल्चर पॉलिसी उन्होंने अपनाई May 1990 में ताकि ज़रात के मैदान में हम तरक्की कर सकें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम उन्होंने ये एक स्कीम डेवलप किया ताकि नौजवान जो है बेरोजगार ना रहे। आर्मी ऑपरेशन इन सिंध, सिंध में जो है जब बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी बढ़ गई तो ऑपरेशन किया गया आर्मी ने सिंध के अंदर। कंजर्वेटिव पॉलिसी उनकी सोच जो है कुछ हद तक कदामत पसंदाना सोच थी उन्होंने अपनाया। और साइंस पॉलिसी, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे जाने के लिए साइंस पॉलिसी अपनाई, ये कुछ इकदाम थे नवाज शरीफ के दौर के। और प्रोजेक्ट जो है नवाज शरीफ के मोटरवे प्रोजेक्ट्स, द गवादर मिनी पोर्ट प्रोजेक्ट्स, गाजी ब्रोथरा प्रोजेक्ट्स, मरियन कहूटा प्रोजेक्ट और येलो कैब स्कीम, ये कुछ अहम स्कीम है जो कि नवाज शरीफ ने इंट्रोड्यूस किया अपने दौर हुकूमत में ताकि आवाम इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। मोटरवे प्रोजेक्ट, द मोटरवे प्रोजेक्ट इनाग्रेटेड इन January 11, 1992। इट्स 337 किलोमीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। इट्स कॉस्ट 23.686 बिलियन रुपीज। यानी कि मोटरवे की इफ्तिताह जो है 11 जनवरी 1992 को की गई और 337 जो है उसकी लेंथ थी किलोमीटर थी और चौड़ाई जो 80 मीटर थी और इस पर जो है 23 बिलियन से 686 बिलियन तक इस पर अखराजात इसकी कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट की गई। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वॉज गिवन टू दाऊद कंपनी ऑफ पंजाब। और मोटरवे की जो प्रोजेक्ट है ये जो है दाऊद कंपनी को दिया गया इसकी स्कीम को कंप्लीट करने के लिए।
फॉरेन पॉलिसी ऑफ नवाज शरीफ मेंटेन गुड रिलेशन विद यूएसए, उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो अच्छे रखे। देन यूएसए पे द इकोनॉमिक एड 546 बिलियन डॉलर, गिव 17 F-17 प्लान, इनकी अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को 540 बिलियन डॉलर इमदाद दी और F-17 तैयारे भी दिए। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई। नवाज शरीफ पर रिजिम मुआज फार बेटर देन बेनजीर भुट्टो से काफ़ी हद तक उनकी हुकूमत बेहतर थी। द नेशनल असम्बली रिमेन बिजी इन लेजिस्लेशन, नेशनल असम्बली जो है बहुत से कानून सादी की, बट द नवाज शरीफ नॉट हैव सेटिस्फाइड रिलेशन विद प्रेजिडेंट गुलाम इसा खान, लेकिन नवाज शरीफ और इसा खान के दरमियान अख्तलाफात हो गए, इनके दरमियान रिलेशन में उतार चढ़ाव आ गया। असम्बली डिसमिस 8 अप्रैल 1893, और इस तरह गुलाम इसा खान ने दोबारा 58(2)(b) का इस्तेमाल करके जो है कौमी असम्बली को डिजोल्व कर दिया 18 अप्रैल 1893 को। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अब गुलाम इसा खान ने अबूरी प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया? प्रेसिडेंट गुलाम इसा खान डिजोल्व द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज ऑन अप्रैल 1993 को उन्होंने खत्म कर दिया। इन अपॉइंटेड मीर बलक शेर खान मजारी एज द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मीर बलक शेर खान को जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया। जनरल इलेक्शन वर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन जुलाई 14, 1993, और जुलाई में 1993 में इलेक्शन का ऐलान किया। बलक शेर मजारी टेन्योर इज केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर एंडेड ऑन मई 26, 1993, लेकिन उनकी केयरटेकर जो दौरे वो ख़त्म हो गई अप्रैल मई, इनकी एक तकरीबन एक 1.5 महीने उनकी हुकूमत रही। केयरटेकर हुकूमत अबूरी हुकूमत 1993 को ख़त्म हो गई। वेन सुप्रीम कोर्ट रिवोक्ड द प्रेजिडेंशियल ऑर्डर एंड रीस्टेटेड नवाज शरीफ एज द प्राइम मिनिस्टर, जब सुप्रीम कोर्ट ने सदर के अहकाम को नल एंड वॉइड करार दिया और नवाज शरीफ की हुकूमत को दोबारा बहाल कर दिया। ऑन मई 26, 1993 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर द प्रेजिडेंशियल ऑर्डर ऑफ द असेंबली डिसोल्यूशन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड रूल्ड फॉर रिस्टोरिंग द नवाज शरीफ गवर्नमेंट एंड द नेशनल असेंबली। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और असम्बली को दोबारा जो है जो असम्बली को डिजोल्व किया था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आइनी करार दिया और दोबारा जो है नवाज शरीफ की हुकूमत और नेशनल असम्बली को बहाल कर दिया। However, because of the serious differences between the President Ghulam Isa Khan and the Prime Minister Mian Nawaz Sharif, both resigned from their offices on July 18, 1993. लेकिन President और नवाज शरीफ के दरमियान इतने ज़्यादा अख्तलाफात पैदा हो गए कि दोनों ने रिज़ाइन कर दिया। अब सदर ने भी गुलाम इसा खान ने भी इस्तीफ़ा दे दिया और नवाज शरीफ ने 18 जुलाई 1993 को एलॉन्ग विद द रिजोल्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ जो सूबाई और जो मरकजी असम्बली भी खत्म हो गई। मुइन कुरैशी ए टॉप वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल वाज अपॉइंटेड एज ए केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। अब जो इसके बाद जो मुइन कुरैशी जो केयरटेकर वज़ीर आज़म बन गए एंड गुलाम इसा खान अपॉइंटेड एज ए केयरटेकर प्रेसिडेंट और गुलाम इसा खान जो केयरटेकर सदर बन गए। तो इस तरह जो है नवाज शरीफ की हुकूमत जो है ख़त्म हो गई 1990 से 1993 के दौरान उनकी हुकूमत रही और फाइनल उनकी हुकूमत जो है ख़त्म हो गई।